फॉरवर्ड्स तो आप रोज सुनते पढ़ते और देखते ही हो, लेकिन उसके फैक्ट्स क्या है ये जानने के लिए जरूर सुनिए फैक्ट शाला हर सोमवार सुबह 10 बजे, पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 6 बजे और रविवार सुबह 9 बजे, ओनली ऑन रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। तो चलिए सुनते हैं फैक्ट शाला। नमस्कार श्रोतियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। दोस्तों, फैक्ट शाला के एपिसोड में आज पहला एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं आरजे तेजस्विनी और मैं आरजे कुणाल। तो आप सभी का हम दोनों मिलकर स्वागत करते हैं फैक्ट शाला के इस फर्स्ट एपिसोड में, जिसका नाम है सूचना और उसकी महत्ता। प्रस्तुत कार्यक्रम फैक्ट शाला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। तो कुणाल जी, इंटरनेट के जरिए डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें बहुत सी सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से मिलती है, चाहे वो समाचार हो या कोई कंटेंट, जिसे हमने सोशल मीडिया, वेबसाइट या अन्य डिजिटल बातचीत और वीडियो प्लेटफॉर्म से प्राप्त किया हो। कार्यक्रम का मकसद ही यह है कि ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों को लेकर बेहतर समझ और विश्लेषण करने में मदद करना है। यह श्रृंखला श्रोताओं को उन टूल से अवगत कराएगी जिनके माध्यम से वे गलत सूचनाओं को पहचानने और सूचना के विश्वसनीय स्रोतों तक पहुंचने में समर्थ हो सके। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करें, आइए समझ लेते हैं कि आखिर सूचना किसे कहते हैं और इसके अलग अलग रूप क्या है। बिल्कुल सही कहा कुणाल तुमने कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सूचना क्या है। तो चलिए हम इस पर प्रकाश डालते हैं कि सूचना क्या है। सूचना एक ऐसी चीज है जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है, चाहे यह एक व्यक्ति के बारे में हो, चाहे किसी जगह के बारे में हो, चाहे समुदाय को लेकर या किसी देश या दुनिया के बारे में हो। सूचना मानव जाति के विकास का आधार है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तो इसकी अहमियत कहीं अधिक बढ़ जाती है। चाहे सरकारी स्कीम हो, नागरिक अधिकार का मामला हो, या फिर मौसम, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़ा जीवन का कोई भी पहलू हो। जी तेजस्विनी, सही कहा आपने। सूचना के प्रति उदासीन भावना व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक हो जाती है। वास्तव में सामुदायिक रेडियो का मकसद ही ये है कि जिन लोगों की सूचना तक पहुंच नहीं है, ऐसे हाशिए पर खड़े लोगों तक सूचना पहुंचाना और उन्हें शिक्षित करना है। क्या तुम्हें पता है कुणाल, इसका सबसे सटीक उदाहरण वर्तमान में चल रही महामारी है। इस दौरान लोगों के बीच कोरोना वायरस और इससे कैसे बचाव करें, इसकी सूचना और जागरूकता की कमी की वजह से बेहद कम समय में यह महामारी विश्व स्तर पर काफी तेजी से फैल गई। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। बहरहाल भारत सरकार लगातार मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। जी सही कहा, सही सूचना हमारे लिए कवच की तरह है। यह हमें सशक्त करती है, आपदा और गंभीर स्थिति में बचाती है। यह हमारी सोच, विचार और व्यवहार को ढालने में मदद करती है। यह हमें रास्ता दिखाती है जिसके जरिए हम अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जानकारी के बिना जो घटनाएं हमारे जीवन को आकार देती है, ना तो हम उन्हें समझ सकते हैं और ना ही उन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि सूचना ही ताकत है। बिल्कुल सही कुणाल, सूचना सही भी हो सकती है और गलत भी। जी क्या तुम्हें पता है? तो चलिए समझते हैं सही और गलत सूचना किसे कहते हैं और उनके बीच का फर्क क्या है। लेकिन कुणाल, ये बात तो हम जरूर बताएंगे अपने श्रोताओं को, क्योंकि हम फैक्ट शाला में इन्हीं बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके लिए दोस्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सही सूचना क्या है और गलत सूचना क्या है और इन दोनों का फर्क क्या है। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।